एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पूर्वास कैफे क्लैश। आज हम आए हुए हैं मन भवन थाली खाने के लिए। मैंने सुना है यहाँ की थाली बहुत अमेजिंग होती है, तो चलिए हम भी चल के देखते हैं कि यहाँ की थाली में हमें क्या क्या वैरायटीज मिलती हैं, कितने आइटम्स मिलते हैं, किस प्राइस में मिलते हैं और कैसी क्वालिटी रहती है सभी चीज़ों की। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नीचे कॉमेंट और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अंदर चलते हैं। नॉर्थ मंदिर साउथ तुकोगंज में होटल प्रिंसेस पैलेस के अंदर हमें मिलती है मन भवन थाली। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही सूदिंग, वार्म और वेलकमिंग है। Let's have a look at all the varieties. जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मेरी पूरी की पूरी थाली लग चुकी है और यहाँ पर मुझे करीबन 20+ आइटम्स मिले हैं। मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रही है। यहाँ पे दाल बाटी मिली है, मुझे बाजरे की रोटी मिली है, नॉर्मल रोटी मिली है, स्वीट है, स्टार्टर है और यार मैं क्या क्या बताऊँ आप सभी को, खिचड़ी है, राइस है, चाट है, छाछ है। एक एक करके बताती हूँ, सभी शुरू करते हैं खाना। मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टाइप ऑफ समोसा है और इसकी फिलिंग बहुत अच्छी है, ना स्पाइसी है, ना स्वीट है, ना खट्टी है, मिक्स फ्लेवर है। मुझे यहाँ की प्लेट भी इतनी क्यूट लग रही है, सब चीज़ें छोटी छोटी सी क्यूट लग रही है, इतनी सारी वैरायटीज मिल गई हमें यहाँ पे, एंडलेस लग रहा है मुझे तो। चलिए
पहले हम आते हैं मेन कोर्स के ऊपर एंड मेन कोर्स में मेरे पास में है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स है जिसमें 3 सब्जियाँ हैं, 1 दाल है, 1 कड़ी है और रोटियां हैं मेरे पास में। तो यहाँ पर जैसे हर थाली सिस्टम में होता है आपको गरम गरम सारी चीज़ें सर्व करी जाती है, मेरे पास में गरम गरम रोटियां आएंगी एंड मेरी क्वांटिटी आप खुद देख सकते हैं, दिल खोल के लगाया गया है। पर एक मुझे मेरे लिए नहीं पता है मालो मुठिया, लेट्स ट्राई दिस। जलेबी के साइज आप देखेंगे तो मिनी जलेबी है ये, बहुत क्यूट है दिखने में। मीठे में एक और चीज बची हुई है वो है चूरमा। तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। अगर आप दाल बाटी के शौकीन हैं, तो सैटरडे या संडे को ही आइएगा, इन दिनों पर ही यहाँ पर दाल बाटी मिलती है। दाल बाटी तो खाना है आपको एकदम उसके ऑथेंटिक टेस्ट में, तो उसे आपको अपने हाथ से छू के खाना पड़ेगा तो ही टेस्ट आएगा। अब मैं लेने वाली हूँ छाछ। मज़ा आ गया मुझे तो सच में ही खा के। मैं ये पूरा खाना फिनिश करती हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ पूरा फिनिश करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो लास्ट में हमें मिलती है मिश्री और सौंफ जो कंप्लीट करते हैं हमारे मील को। मुझे तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा है। मतलब इतनी सारी वैरायटीज़ हमें मिलती है, वो भी अनलिमिटेड, आप जितना चाहे आप खा सकते हैं यहाँ पर। बट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा स्पाइसी था, ना स्वीट था, ना मतलब बैलेंस्ड टेस्ट था सब चीज़ों का। अनदर थिंग, अगर आप यहाँ पर हैं एज इंदौर शहर में हैं तो मस्ट विजिट जगह है ये, यहाँ पर आइए, यहाँ का खाना खाइए। और लुकिंग एट द प्राइस रेट्स आई फील दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड जगह है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नीचे कॉमेंट करिएगा और इस वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा।
ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको कौन सी थाली मिलेगी, कब मिलेगी, उस थाली में क्या मिलेगा और कितने प्राइस में मिलेगी। ये है यहाँ का पार्सल मेन्यू, आप कौन कौन से बॉक्सेस अपने घर पे ले जा सकते हैं और किस प्राइस में।